अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज जो है हम कर्नाटक स्टेट एजुकेशन कर्नाटक सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड बेंगलोर की तरफ से जो कल रिलीज किया गया है दसवीं जमात का इल्म रियाजी मॉडल सवाल पर्चे का दूसरा सवाल हल करने का एकदम आसान सवाल थे, किस तरह से हल करना ये बताता हूँ। सवाल जो है यहाँ पे दो मुतगैर खती मसावत के जोड़े, पहला खती मसावत यह है 2x नफी 5y जमा 4 बराबर सिफर और 2x जमा y नफी 8 बराबर सिफर, ये दो मुतगैर खती मसावत के जोड़े हैं। ये जोड़े किस तरह के हल रखते हैं, इनको हल करने के बाद इनके हल कैसे होते हैं, x और y की कीमतें कैसे होती हैं। देखो जवाब नंबर एक है, बिल्कुल दो हल होते हैं, दो हल होते हैं इसके, x के दो y के दो, यानी तो लामहदूद हल होते हैं, लामहदूद पूरे तो x के लामहदूद कीमतें होते हैं, y के लामहदूद कीमतें होते हैं, यानी इनके जो खतूत है एक दूसरे पर मंतबह होते हैं, यकता हल होता है, यकता हल होता है तो x की भी एक ही कीमत और y की भी एक ही कीमत होती है, यानी एक दूसरे को ये कथा करते हैं, एक नुक्ते पर मखसूस नुक्ते पर कथा करते हैं। चौथा कोई हल नहीं, इसका कोई हल ही नहीं, यानी ये एक दूसरे के मुतवाजी हुदूद है। ये चार जवाब में से कौन सा जवाब सही है हमको दिखाना पड़ेगा। या सबसे पहले ये कुछ सवाल हल करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, दो खती मसावत दो मुतगैर खती मसावत एक दूसरे को जब कथा करते हैं, समझो कि ये एक दूसरे को कथा करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक दूसरे को कथा करते हैं तो एक्स की भी एक ही कीमत आती और वाई की एक कीमत आती, ये वाई की कीमत आती, यहाँ पे एक्स की कीमत आती। इसके लिए जो कंडीशन है ये कंडीशन ये है, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। अभी दूसरा, तीन कंडीशन है इसके, तीन जानते हैं, तीन कंडीशन है। दूसरा, अगर ये दोनों खतूत एक दूसरे के मुतवाजी हैं, एक दूसरे के मुतवाजी हैं, तो कोई x का भी, ये दोनों खतूत जहां पर कथा करते हैं वहां पे x और y की कीमत दिया जाता है, अगर ये दोनों मुतवाजी हैं बोले तो इनके कोई भी हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इनके कोई भी हल नहीं है, ये दोनों किसी जगह पे कथा करेंगे तो हल होते हैं। ऐसी सूरत में इसके लिए ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, सी वन अपॉन सी टू होते हैं, नहीं सॉरी, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू होता है। इसका तीसरा कंडीशन जो है, इसका जो तीसरा कंडीशन है, दोनों खत एक दूसरे पर मंतबक है, एक दूसरे पर ओवरलैप है, तो x के y के लामहदूद कीमतें होते हैं। ये कंडीशन में a1 वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो ये तीनों कंडीशन में कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होता है यहाँ पे हमको देखने का है। अभी इस सवाल को हल करेंगे, हम इस सवाल को हल करेंगे। पहला मसावत जो है हमारे पास 2x माइनस 5 5y प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, और एक मसावत जो है हमारे पास 2x प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, इसको हम मुआवजा करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो। ये यहाँ पे जो है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे ए वन इज इक्वल टू कितना आया, दो हुआ, बी वन इज इक्वल टू पाँच माइनस पाँच, बी वन इज इक्वल टू माइनस पाँच और सी वन इज इक्वल टू जमा चार। यहाँ पे ए टू इज इक्वल टू, देखो ए टू की कीमत क्या है, दो है, दो, बी टू इज इक्वल टू वाई है, तो इसके पास एक रहता है, बी टू इज इक्वल टू प्लस वन
एंड सी टू इज इक्वल टू 8 माइनस 8। अभी हम देखेंगे पहला कंडीशन चेक करके देखेंगे, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, बी वन अपॉन बी टू, इस कंडीशन को चेक करके देखेंगे क्या होता है। ए वन कितना है 2 अपॉन ए टू कितना है 2, ए वन भी 2 है ए टू भी 2 है, इज इक्वल टू बी वन कितना है माइनस 5 है, बी टू कितना है माइनस 1 है, माइनस 1 है। अगर इसको काटेंगे 2 1 2 2 1 2 क्या होता है, यहाँ पे 1/1 बराबर नफी 5/1। क्या ये दोनों मसावी हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है, गैर मसावी है, गैर मसावी। तो ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, बोलो ये दोनों खत एक दूसरे को एक नुक्ते पर, मखसूस नुक्ते पर, एक मखसूस नुक्ते पर कता करते हैं, यानी इसका इस तरह से कता करते हैं, इस तरह से कता करते हैं, एक्स का भी एक वैल्यू वाई का भी एक वैल्यू, यानी इसका क्या है एकता हल है, इसका जवाब है एकता हल, ये जवाब है इसका एकता हल, इस तरह से हल किया जाए।